बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं आज आपको दिखाऊंगा कि यामा वाई पी आर का एयर फिल्टर किस तरह तब्दील करते हैं। ये देखने के पेपर खोलने अंदर से वो उसका एयर फिल्टर निकला है, तो देखते हैं क्या मसला कैसा है। तो एयर फिल्टर को देखा है कि ये बिल्कुल चौक हुआ डस्ट से भरा पड़ा है, तो इसको एयर मारने की भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसको सारे के सारे चेंज करना पड़ेगा। तो एयर फिल्टर जो है ना, अब हम चेंज करेंगे इसको। उससे पहले जो चैम्बर है उसमें कपड़ा छपड़ा मार कर उसको सफाई छुपाई की तरह से कर लिया। ये नया फिल्टर आ गया, तो देखें ये नया फिल्टर है, इसके शब्द उतार कर इसको अच्छी तरह से चेक करके और ये देखना है लगाते हुए इसको सही अलाइनमेंट में सही पोजीशन पर लगाएं और अच्छी तरह से इसको फिक्स कर दें ताकि कहीं से एयर लीक शीक ना होकर इंजन में ना जाए। ठीक है, अंदर फैल गया है, चेक कर इसके ऊपर। नहीं नहीं देख लो, एयर लीक कर देना। अब नट इसके टाइट करेंगे तो ये तकरीबन 450 रुपये का है इसका ये एयर फिल्टर है। ये कम से कम 2000 किलोमीटर पर चेंज करते हैं करना चाहिए। अगर दूर तो बीच में कर सकते हैं, हाथी नहीं करी भी इसको चेक करें, इसको सफाई सफाई कल करा दें, एयर मिला दें ताकि इसकी स्मूथ रनिंग हो, इसकी मायरिंग में भी इजाफा हो। टाइट कर रहे हैं, कोशिश करें सारे के सारे नट करना टाइट करने की, क्योंकि नट बीच में रह गया तो कोई फायदा कोई नहीं। इसको चलाएं 1800 किलोमीटर 2000 हाँ इतना चला, लेकिन वो जो लिखा हुआ है ना नेट्स पर मैंने 4000 लिखा हुआ है। ठीक है, इससे अच्छा एक आता है लेकिन यार वो 2200 पर चलता है, मैंने देखा है ना वो ज़्यादा चलता है।